अरे भाई आप भी ना, बड़ा आदमी सोच के हम आपसे मिलने आए, वो तो हम सबको बेवकूफ बना के चला गया और आप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ऐसी बात नहीं है, अगर हम सब मिलकर ना उसको दबोचते तो वो मर ही जाता। मर जाता? जब तुम्हारे आदमियों ने उसे बस स्टैंड पर मारा था तब उस समय उसे क्यों नहीं मार पाए? मर जाता बोल रहे हो तुम लोग? जब चाहो तब उसे नहीं मार सकते, हजारों में एक नहीं बल्कि तुम जैसे हजारों के लिए अकेला ही काफी है। आग है वो कहीं भी किसी को भी जला कर राख कर सकता है। तुम लोगों ने उसके जज्बे को देखा है लेकिन उसकी चालाकी नहीं देखी। वो चालाकी में लोमड़ी की तरह है, लोमड़ी की तरह। वो मरेगा और उसे मारूंगा भी मैं ही, लेकिन जब उसकी बहन की शादी होगी तब। शादी तो होने दो। ये भूखे बैल की तरह हाँफ क्यों रहा है? लगता है इसको बिरयानी खाने की इच्छा है। क्या हुआ? वो तो तुम्हारी होने वाली पत्नी को साड़ी से शादी करवाने का प्लान बना दिया, ये सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ और तू यहाँ पे बिरयानी खा रहा है। मैं जब भी बिरयानी खाने बैठता हूँ तुम चिल्लाते हो। अबे अक्कल के दुश्मन, यहाँ तेरी होने वाली बीवी तुझसे अलग हो रही है और तुझे बिरयानी की पड़ी है। तो फिर क्या करूँ मैं? ए, हम खाने और खा के मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तुमसे शादी होगी या नहीं ये पंचायत में फैसला होगा। तार लगा दे, अच्छी तरह लगाना। अच्छी तरह से लगाना, आज हम भी देखेंगे। काम अच्छी तरह से होना चाहिए, अच्छी तरह से। तार लगा, आज इस पंचायत में कितने लोगों के सिर कटेंगे मुझे मालूम नहीं है। ये फिर से शुरू। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें एक का तीन दिखेगा और तीन का छह दिखेगा। यहाँ लोगों को बुला के पंचायत क्यों लगा रखी है? पंचायत क्यों लगा रखी है? मैंने क्यों पंचायत लगाई है तुम्हें पता नहीं है? तो फिर सुनो, मैं बताता हूँ। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने भांजे को उसका मामा ही इज्जत और नाम देता है, लेकिन इस मामा को इज्जत और नाम देने वाला कौन है पता है? इस छोटे से लड़के ने इज्जत दी है। अरे ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन इससे आप लोग पूछो कि आज मेरी शादी के बीच में रोड़ा क्यों अटका रहा है? वो तुम्हारी इज्जत करता है इसलिए हम सब यहाँ चुप है, वरना तुम्हारी बदतमीजी के लिए ये सारा गांव तुम्हें सजा देता। सुनो भाई, तुम्हें कुछ भी कहने की और सुनने की जरूरत नहीं है, सीधे काम की बात करते हैं। लड़की नहीं दूंगा ये नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देकर लड़की को ले जाओ। दो सवाल क्या, 200 सवालों का भी जवाब देगा? मेरा बेटा है, शेर की औलाद है ये। ओ दद्दा, ये शेर है या बिल्ली है इसके जवाबों से पता चल जाएगा। पहले तेरा ही कत्ल करूंगा। क्यों बे, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा इसी डर से तू पंचायत के सामने रो रो कर शिकायत करने आया है? पूरे गांव के लोगों के सामने तूने मेरे खिलाफ शिकायत की है? मामा से डरना भी चाहिए। आप लोगों को जो सवाल पूछना है पूछो। पहला सवाल, तुम काम क्या करते हो? दूसरा सवाल, तुम खाना कैसे खिलाओगे? क्यों रे? इन दोनों सवालों का जवाब दे दो तो इसी वक्त लड़की को तुम्हारे साथ भेज दिया जाएगा। तुम कुछ करते ही नहीं तो इस सवाल का जवाब क्या दोगे? हाँ ठीक है, चलिए पिताजी। क्या हो गया? दो सवालों से तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? कल का लौंडा हैं? लोगों के सामने भरी पंचायत में बड़ी चालाकी से एक सवाल करके हम दोनों को फंसा दिया। कभी तेरी माँ ने भी नहीं पूछा कि हम लोग क्या काम करते हैं। अब सुन, शादी के लिए मामा का रिश्ता चाहिए, ऐसा कहेगा वो है ना, रेशम की धोती लेकर आएगा। रेशम की धोती तुम मत मानना, अपनी इज्जत का सवाल है बेटा। हमारी इज्जत ही हमारी धोती है, मान और सम्मान चाहिए। हाँ मामा, जरा भी इज्जत का ख्याल नहीं है। हाँ देखो इनको कैसे पीठ घुमा के खड़े हुए हैं, घर आए मेहमान का जरा भी ख्याल नहीं है इनको। कैसे संस्कार है इनके? ए, चुप रहना। क्या गलत बोला मैंने? दादाजी मुंह घुमाकर क्यों खड़े हो तुम? लगता है इनको पैसे देंगे तभी ये पीछे मुड़ेंगे। मामा जी तुम मेरी माँ के भाई हो,
पार्वती पर जो तुम्हारा हक है वो किसी और का नहीं है, इतना क्या मेरा भी नहीं है। मुझे बताना, एक दिन कभी काम के लिए गए हो तुम? अगर तुम काम कर रहे होते तो मैं गांव-गांव में लड़का ढूंढने के लिए क्यों भटकता? तुम तो अच्छी तरह जानते हो मैं पार्वती से बहुत प्यार करता हूँ। वो कभी आंसू बहा दे तो आंसू बहाने वालों को खत्म कर दूंगा, और अगर उससे शादी करके तकलीफ हुई ना तो तुम्हें भी मार डालूंगा। मारेगा? देखा ना पिताजी, ये मारने की धमकी दे रहा है। तुम्हें मारना तो अपनी माँ को मारने की तरह ही है। आप मेरे दादा हो, तुम मेरे मामा हो। धोती कितने की होगी? कल को तो मेरे बगैर शादी हो सकती है, लेकिन मामा के बगैर शादी बिल्कुल नहीं। चलो मामा का आशीर्वाद ले लो। चलो आशीर्वाद दीजिए मामा। क्यों बे, तुझे इज्जत के साथ 6,000 रुपए की रेशम की धोती ला कर दिए है और तू चुपचाप खड़ा है? सुनो, मैं चुपचाप खड़ा नहीं हूँ, गुस्से से खड़ा हूँ मैं। हे, पहले तू अपना गुस्सा कचड़े में फेंक और तेरे पांव छूने वाली लड़की को आशीर्वाद दे। ए, आशीर्वाद देना बेवकूफ कहीं का। दादा सुखी रहो, उठो। थैंक यू मामा। ठीक है। क्या बात है, तूने एक बार बेवकूफ बना दिया, अगर दोबारा बनाओगी तो तुम जीत जाओगी। अभी दोबारा बेवकूफ बनाती हूँ। क्या हुआ दीदी, बेवकूफ नहीं बना पाई? उस चक्कर में मुझे किसी और से पंगा नहीं लेना है। यो सूर्या, तुम तो अपने साले को ऐसे खिला रहे हो जैसे किसी बच्चे को खिलाते हैं। धीरे धीरे जैसे देते हैं वैसे देकर बेवकूफ बनाओ, तब तो खेल में मजा आएगा ना। सुनो भाई, किसी भी हाल में मैं अपने साले को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। आप सूर्या को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, लेकिन आपने उसको पाला है और वही आपको बेवकूफ बना रहा है। अरे क्या जमाना आ गया है, हा? सुनो भाई, मुझे मेरे घर में जिस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, वैसे ही आपके घर में आपकी बेइज्जती हो रही है। सोचो हम दोनों एक हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। हाँ, हम लोग पीएस वर्मा और नीलांबर की तरह ग्रुप बनाने वाले हैं, मैं और तुम। क्या? सुनो भाई साहब, सारे लोग मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। ये क्या, मक्खी का झुंड लोहे को काट सकता है क्या? अच्छा तुम सूर्या की गलतियां क्यों निकालते रहते हो, आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है उससे? मेरे और उसके बीच एक साड़ी का हिसाब है, चुकाना तो पड़ेगा। साड़ी का हो या फूल का हो, सूर्या से हिसाब मत लेना। वो ना आदमी नहीं है, सांप है, दोनों तरफ से चाल चलता है। सूर्या भाई, कहाँ पर हो मामा, दिखाई नहीं दे रहे हो तुम। मंदिर में आया हूँ। जल्दी आओ, सारा काम तुम्हें करना है। अभी आया भाई, अभी आया। आपने जैसे कहा, मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का मिल गया है, आप इसे आशीर्वाद दो ताकि इसका भला हो जाए। स्वामी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लड़का किस गांव का है? देखिए ना स्वामी जी। सुनो सुधीर, कल कलेक्टर ने हमें ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है, मैंने उनसे बात कर ली है, वो दस्तखत कर देंगे। उनके दस्तखत करने के बाद केस मजबूत हो जाएगा, उसके बाद हम विश्वनाथ और अधिकार को तुरंत अंदर करवा सकते हैं। केस को और भी स्ट्रांग बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये लो केस से रिलेटेड फाइल्स। अगर कलेक्टर ने साइन कर दिया तो फिर वो दोनों इस जन्म में जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। ए, तुम्हारा फोन बजा है। हाँ बोलो। कहाँ हो आप? हम लोग थिएटर आ गए हैं। ठीक है, तुम दोनों अंदर बैठो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा तो तुम फिल्म देखने जा रहे हो? हाँ यार।
तो ये बात तू फोन पे भी कर सकता था ना। कुछ पर्सनल बातें फोन पे नहीं बता सकते यार। अरे भाई पहले तुम यहाँ से निकलो। देवता समझो तो मैं देवता, जानवर समझो तो जानवर, दलित समझो तो दलित, पुण्यात्मा समझो तो पुण्यात्मा, जिस जाति का समझो उसी जाति का हूं मैं। मैं सिर्फ एक इंसान हूं, इंसानियत का पाठ पढ़ता हूं और इंसानियत का पाठ सीखता हूं। इंसानियत ही मेरा धर्म है, मानवता मेरा अपना साथी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? नहीं कुछ नहीं, वो आइए ना अंदर। क्या मूवी थी, क्या गाने थे। सिर्फ गाना नहीं, डांस भी कमाल का था। बहुत मजा आया। तो गड़बड़ है। क्यों सूर्या प्रीतम, अधिकार नाम के पेट्रोल टैंकर को देखकर डर लग रहा है? घबराए से लग रहे हो, डर तो लगेगा ही। ध्यान से सुन मेरी बात। कल सुबह ठीक 5 बजे तेरे जीजा के पास एक फोन आएगा। क्यों आएगा, किस लिए आएगा ये तुझे नहीं पता, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है। वो अगर घबराएगा तो उसे देखकर मैं जानता हूं कि तुझे भी डर लगेगा, और डर लगना भी चाहिए। जरूर डरेगा तू 5 बजे। इन्फॉर्म करो मैं आ रहा हूं। कनक गाड़ी लेकर आओ।
सब सुनिए तो मैं आता हूँ। कनक जल्दी चलो। कब रखा था सर? ये लोग बिल्कुल नहीं मान रहे सर, कह रहे मूर्ति यहीं पर रहेगी, नहीं मान रहे। सूर्या प्रीतम, साले के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, डर गए क्या? अब डर तो लगेगा ही, डर पैदा जो कर दिया है। क्या सोच रहे हो कि मेरे गांव में बुला लिया? वो क्या है कि मैं तेरे जीजा को प्रतिमा के उद्घाटन के समय ही मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी एक वजह है। तू तो जानता है अगर किसी आदमी को कोई एक मारता है तो वो खून कहलाता है, लेकिन उसी इंसान को अगर भीड़ मारे तो नहीं, पर जमा लोगों की भीड़ प्रतिमा का उद्घाटन करवा के रहेगी और तेरा जीजा नहीं करवाने की जिद पे अड़ा रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? हमारे नेता की मूर्ति का उद्घाटन करो। उद्घाटन समारोह में होगा दंगा और फिर होगी तेरे जीजा की मौत। तू ये सोच रहा होगा कि तेरे जीजा को मारेगा कौन, यही सोच रहा है ना? वहां पर लाल शर्ट वाला कोई है? तू वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरे गांव में खड़ा है, तू सिर्फ तमाशा देख। हम लोग जान दे देंगे, नहीं हटने देंगे, यहाँ से प्रतिमा हटने नहीं देंगे, हमारे नेता की प्रतिमा है, नहीं हटने देंगे, कुछ भी हो जाए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोगों ने पिटीशन फाइल किया है और वो मैंने कलेक्टर को भेज दिया है। आदेश आने तक आप लोगों को हंगामा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, समझे? सर, आप हमको अनुमति कब देंगे और हम लोग उद्घाटन कब करेंगे? मेरी बात सुनिए, आपके गांव में पीने का पानी या अच्छी सड़क की प्रॉब्लम हो तो आप लोग वो मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग ये फालतू की बातों में पड़ेंगे क्या? तो फिर हमारे नेता की प्रतिमा का उद्घाटन करना फालतू का काम है क्या? देखो भाई, तुम ऑफिसर से इज्जत से बात करो। हमारे पैसों से पगार लेने वालों से इज्जत से काय को बात करने का? तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो सर इन पे लाठीचार्ज का आदेश दो, सब अपने आप चले जाएंगे। देखिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। सब गलत है, ऐसा कैसे चलेगा? आप लोग समझिए, करके रहेंगे ठीक है, यहीं पर होगा, समझ चलेगा। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं गलत है। क्यों नहीं कह रहे हैं लोग, हमें प्रतिमा का उद्घाटन नहीं करने देंगे? क्या उद्घाटन करेंगे, हम लोग यहाँ पर हर हाल में करेंगे, देखते हैं हम लोग भी। सुबह से पानी नहीं पिया, यह हाथ सुन इसमें तो बिरयानी की खुशबू आ रही है। अभी खा कर आया। मैं तुम सबको एक राज की बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। अब की बार इलेक्शन में हमारे चेयरमैन साहब खाना पीना बिरयानी के साथ साथ 4,000 रूपए भी दे रहे हैं। ये देखो है। कड़क कड़क 2,000 के नोट, चाहिए क्या? सुना शांति, एक नोट के 4,000 रूपए दे रहा है। नोट के साथ मटन बिरयानी भी मिलेगी। सुन लो सर, आप कुछ भी कहो पर हमारे लोग नहीं मानने वाले। आदमी औरत कोई भी नहीं दिख रहा, सब लोग कहाँ चले गए? अरे खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। तू ही बनेगा बेटा, कड़क है। ये लो पैसे, लो तुम्हारे पैसे, ये जाकर प्लस करवा लेना। तुम्हारे पैसे क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? अरे असली नोट है 2,000 रूपए का, लो ना। मेरे भाई, इनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि बिरयानी खाएंगे, हमें खिलाने के चक्कर में है।